हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, या फिर आप इसे पार्टी में भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना बातें किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेकअप करने से पहले फेस को वॉश करना मस्ट है, मैंने भी किया है, ये कभी भी स्किप मत कीजिएगा। देन मैं यहाँ पे टोनिंग पैड यूज़ कर रही हूँ, NYB का, बहुत दिनों से पड़ा था, सोचा ट्राई कर लूँ, तो काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें 30 पैड्स आता है, 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं कुछ दिनों से ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स का लेमन बसिल मॉइस्चराइज़र, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसमें, समर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी ये ब्यूटी क्लोजेट का आई शेडो पैलेट में से। मैं ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर को मिक्स करके अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ, एंड मुझे पाउडर सा आईब्रो फिल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन आईब्रो फिल करने के बाद मैं एक कोम से आईब्रो को कोम कर लूँगी, क्योंकि ये पार्टी या वेडिंग गेस्ट के लिए मेकअप है, तो फेस को ग्लो करना तो बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये ग्लोई प्राइमर एंड ग्लोइनेस दोनों का ही काम करेगा। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनसाइड का ये फाउंडेशन, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग अगर मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो फिर आप लोगों को ये फाउंडेशन दिखेगा ही, ये मेरा फोर्थ बॉटल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, एंड इजीली ब्लेंड भी होता है, एंड आप देख सकते हैं फेस पे एक ग्लोइनेस भी रह जाता है। नेक्स्ट आती है कॉन्सिलर की बारी, तो जहाँ जहाँ कॉन्सिलर लगाना होता है यूजुअल एरिया में, हम लोग जहाँ पे कॉन्सिलर लगाते हैं मैंने वहाँ पे ही लगाया है, एंड सोचा कि आईब्रो को भी थोड़ा सा शार्प दिखा लूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कॉन्सिलर लगा दिया है, एंड उसे एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। एंड ब्लेंड करने के बाद तुरंत आपको ये कॉन्सिलर को सेट करना पड़ेगा पाउडर से, तो मैं लूज़ पाउडर ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन का ये सुपर अफोर्डेबल लूज़ पाउडर। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग भी कर रही हूँ शुगर का ये 3-in-1 पैलेट से, थोड़ा थोड़ा ही ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है ब्रॉन्जिंग। नेक्स्ट फेस को शार्प दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है, ताकि फेस थोड़ा शार्प दिखे। अभी बारी है आई मेकअप की, तो मुझे ना काफ़ी दिनों से स्मोकी आई लुक बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मोकी आई लुक ही क्रिएट कर रही हूँ, बट मेरा जो ड्रेस मतलब साड़ी का जो कलर है उसी से करूँगी। तो पहले तो ब्लैक काजल एंड आई शैडो से मैंने स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है, एंड उसके बाद मैं अपना साड़ी का जो कलर है उसी से ऊपर थोड़ा सा दे दिया है, तो अभी तो थोड़ा फीका फीका लग रहा था, इसलिए मैंने ग्लिटर भी अप्लाई कर लिया है। तो अभी मेरे आई मेकअप इज़ कम्प्लीट, मैंने आई लाइनर लगा दिया है, एंड काजल ना हो तो फिर मेकअप तो कम्प्लीट ही नहीं होता है, तो काजल के साथ मैंने जो आई शेडो लगाया था मेरा साड़ी का कलर से उसको भी स्मच कर लिया है। अब यह है मस्कारा का टाइम, तो 2 से 3 घूंट मैंने मस्कारा लगा लिया है, एंड उसके बाद है ब्लश का टाइम, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन एंड शुगर का जो 3-in-1 पैलेट का जो ब्लश है उसको मिक्स करके मैंने अपना ब्लश लगाया है हल्का सा, एंड मैंने अभी नोज़ कॉन्ट्रोलिंग भी कर लिया है शुगर के पैलेट से ही। अभी है हाइलाइटिंग टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो मैंने अभी यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का बेक हाइलाइटर, तो जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर लगाना पसंद है मैंने वहाँ ही लगाया है, एंड मैंने अपना मेकअप को सेट किया है ये NYB का मेकअप सेटिंग स्प्रे से, एंड मैंने अभी यूज़ किया है इनसाइड का ये लिपस्टिक, उसका शेड नंबर है 20, एंड या दिस इज माई फाइनल लुक गाइस। तो या गाइस, अगर आप लोगों को आज का ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।